हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनु। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं मोटो जीपी और वहाँ पर हमें इनवाइट किया गया है। हमें बहुत खुशी हो रही है और सुबह के क्या टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं और हम लोग बहुत पहले का उठे हैं। बहुत नींद भी आ रही है, सोए ही नहीं है बिल्कुल। आज मैं तो बिल्कुल नहीं सोई हूँ, नहीं सो मैं भी नहीं सोई हूँ। 2 घंटे तो रहता है, 1 घंटा सोई हूँ मैं सिर्फ। 6 बजने वाला तब सोने के लिए गई और साथ यूं आँख खुलते ही 7 बज गए। मैं 8 बजे उठा। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसका प्राइस जो है पर पर्सन टिकट का, मतलब मर्जी सबकी, 800 रुपए से शुरू होता है। तो गाइज, जो प्राइस है, मतलब टिकट का जो प्राइस है, वो हमें इतना पता नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो कोई टिकट नहीं है, हमारे लिए स्पेशल इनविटेशन। तो प्राइस मैं वहीं पर जाकर बताऊंगी। और अभी मेरा हेयर स्टाइल बन रहा है क्योंकि बाल बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। हम लोग इसको फ्लेक्स करेंगे कि हमारा है, हमें इनवाइट किया गया है। हमने इनवाइट किया है। इधर कभी करना है क्या? इधर कभी ठीक लगेगा ना क्या? नहीं बाहर मिलो तुम, बच्चे वाला हो जाएगा। काशिप ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। कौन यार, देख उसमें कितनी धूप पे कितना सही फेस लग रहा है ना। हैं आगे कौन बैठेगा? मैं हमेशा की तरह बीच में। गुड गर्ल। चलो, राजकुमारी जी आ गई, दरवाजा भी बंद। चलिए भैया, और 5 किलोमीटर से ना पुलिस स्टार्ट है, पुलिस शुरू ही है, पुलिस ही है सारी इधर। ये भी कार पुलिस की है, पुलिस पुलिस ओनली पुलिस, क्योंकि यहाँ के सीएम आ रहे हैं, कि यहाँ के सीएम भी आ रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? नहीं, इधर से हमें जाने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे यार, कॉल करो ना उसको, कॉल करके पूछ लो यार। कोई उधर की गाइस, इतना झगड़ा करने के बाद जा नहीं दिया। इतनी मुश्किल से सबने रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी, कैसे क्या क्या हो रहा था। अरे गूगल मैप नहीं, थोड़ी सी थी स्टार्टिंग में। अबे यार, अब ये कोई और। अच्छा, यहाँ पे पासेस तो मिल जाएंगे ना, लेट तो नहीं होगा क्योंकि लीज सेंटर पे पहुँच गए हैं हम, बस एग्जाम देना बाकी है। इधर कॉल यहाँ पर आरजे अभिनव आ चुका है, हम लोग से पहले ही देखो आगे अंदर चला गया। पिंकी गर्ल, चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग एक्रेडिटेशन सेंटर पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें मिलेगा पास। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे। इतना बड़ा ये एरिया है ना कि जिससे भी हम लोग पूछ रहे थे, लाइक पुलिस वगैरह जो भी लोग थे वहाँ पर, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि रास्ता कहाँ पर है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। अभी फाइनली सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ, तो हम पेडॉक के अंदर भी जा रहे हैं। पेडॉक जोन भैया, इस बार हमारे पास है टिकट, गाड़ी का पास, गाड़ी का पास, इवन पार्किंग का पास, हमारे पास सब कुछ है। पार्किंग का पास दो, पार्किंग का पास दे दिया भाई। ऑल पास, वी हैव ऑल द पास भाई। चल रहा है यार रेस तो। ओह माय गॉड, चलिए भाई, फाइनली हम लोग पेडॉक में घुस रहे हैं। ये पुलिस की वर्दी को टांग कर कौन ले जा रहा है? वो सब रुतबा है। आज अपने में है क्या? बाल बाल गाइस, यहाँ पर चेक करें कि कहीं हमने बॉम्ब तो नहीं लिया है। इसमें भी नहीं लिया है, बॉम्ब हो रही है, फुल चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी है और शायद रेस भी शुरू हो चुकी है। चले चले चले, बोल दिया ना, बाय बाय। सो फाइनली ब्रेस फॉर द रेस, उसके लगाव में से यही आएगी गाड़ी। यहाँ मेरे फ्रेंड भी आ चुके हैं, एक तो पिंक वाला है आरजे अभिनव और एक पता नहीं क्या है, ये भी मेरा फ्रेंड ही है, बेस्ट फ्रेंड, नाम कुछ नहीं पता किसी का। तो गाइस, फाइनली इतने टाइम बाद पहुंच गए हम लोग और बस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर जहाँ पर मेन रेस हो रहा है, वहाँ पर बस वहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। हम लोग इतना आगे आ चुके हैं लेकिन इन दोनों को देखो, घुटने में दिक्कत है, जोरों में घुटने में दर्द है और उसका इलाज चल रहा है, बहुत जल्दी सही भी हो जाएगा जोरों का दर्द। कैमरा ऑन हो गया हेलीकॉप्टर देखिए, देख पा सबका कैमरा।
हो गया ये देख के। यहाँ पे कम से कम 5 किलोमीटर चला दिया इतनी तेज धूप में, हालत खराब हो गई देखो। और इधर भी देखो सब की हालत खराब है। अभी हमें शायद वहां पर जाना है, डोंट नो अभी कितना टाइम लगेगा। यार इतनी दूर चला दिया गाइस, हमें शायद उस पे बैठना है। गाइस यहाँ जॉन इब्राहिम आए हैं यार, यार दिख भी नहीं रहा। गाइस यहाँ अलग अलग हेलमेट्स रखे हुए हैं पहनने के लिए, अब देखो। गाइज अभी हम लोग ने लंच कर लिया है उबला हुआ, और बिल्कुल पसंद नहीं आया, एक भी चीज़ पसंद नहीं आया। और हम लोग बैठ के, एक्सीडेंट तो हो रहा है गाइज, हम लोग यहाँ पर बैठ के रेसिंग भी देख रहे हैं टीवी में, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, 3 बजे हमें मौका मिलेगा कि हम सामने से रेस देख पाए, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। तुम कुछ बोलो मेरे ब्लॉग में। यार मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मेरा कौन सा पांचवा है, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। सही बताऊँ ना तो मतलब वो देख कर ना गूज़ बम्प्स आ रहा है, ऐसे डर लग रहा है ना कि गिरने कैसे। और सबसे पहली बात तो मैंने ना कभी F1 को देखा ही नहीं है नज़दीक से, और वो नज़दीक से देखने के बाद वो बाइक ये सब को देखने के बाद बहुत ज़्यादा। और बाइक बनते हमें शूट नहीं किया, बाइक बनते हुए देखा, वो अलाउ नहीं था शूट करना, लेकिन हमने देखा कैसे बाइक बन रहा है, सारी चीजें थी प्रॉपर, बहुत ज्यादा टीम वर्क था। डुकाटी थी, डुकाटी क्या बोलते हैं, डुकाटी हां डुकाटी थी ना, महंगी गाड़ी थी। कितनी 10-10 ये कह रहे हैं कि उसकी जो बैटरी है ना वो कार से भी ज्यादा है। 10-10 करोड़ की बाइक, ये करोड़ की बाइक है यार, इतना पैसा इनके पास है यार। यार धोनी को बुलाना चाहिए था, बाइक का तो वो भी फैन है, जॉन इब्राहिम को। तो गाइज हमने हम उनसे मिले, मैंने कॉल करके बुलाया उनको, क्योंकि मुझे एकदम मेरा ये था कि अब मैं आ चुकी हूँ तो वो क्यों नहीं आ रहे, तो फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि तुम वेट करो मैं आ रही हूँ, मतलब आ रहा हूँ, तो फिर वो आए। गाइज ये देखो गाइज ये पूरे टाइम लड़ती है, ये था मेरे क्या छोड़ दिया वहीं पर रखा तुम्हारा टेबल। गाइज ये दोनों फाइटर हैं पूरे टाइम लड़ती है, राइडर 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 के साथ फाइटर भी। मैं क्या जाऊँ, लड़की है क्या, जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं जाएगा बेवकूफ, चल भाग यहाँ से जा। गाइस यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, काशिप का मन हो रहा है कि वो वहाँ पर जाके ज्वाइन करे, लेकिन ये कह रहा है कि जब हम जाएंगे तब जाएगा, बेवकूफ़ है जा, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम क्या करेंगे वहाँ पर। हम यहाँ देख रहे हैं, यू आर अ डोंकी बॉय। अब इसका ही फोटो लगेगा, मैं थंबनेल कैप्चर कर रहा है हर एक चीज। यार एक भी केक फेंक दे।
गई और कौन सी टीम जीती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है जीत की खुशी में बारिश होने वाली थी। वैसे तो मैंने 15-50 बार ले लिया इनको, मजा आ रहा है जो भी हो और हवा भी चल रही है। यार ये मौसम पहले होता तो कितना मजा आता, इस टाइम तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, जब इतनी ज्यादा एम्बुलेंस चाह रही है सारे प्लेयर्स के लिए जो जो इंजरी हुई है, बहुत सारे लोग गिर गए, बहुत सारे लोगों को चोट लग गई है, भाई ऐसी वैसी इंजरी नहीं, बहुत बहुत गंदी वाली, पूरे ऐसे स्लिप करके गिर गए एकदम, बहुत ज्यादा हमारे एक्सपीरियंस, लेकिन हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पहली बार कुछ देखा ऐसा, ज्यादा पसंद नहीं है पर अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। छोड़ेंगे ना हम तेरा सहारा।